साथ के साथ बोलो यहोवा तेरा धन्यवाद करना भला है। सब बोलो यहोवा का धन्यवाद करना भला है। साजों के साथ ऊंचे साथ, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस तार वाले बाजे और सारंगी पर वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते और फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं वो इसलिए होता है कि वो सर्वदा के लिए नाश हो जाएं, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी चित्तर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके उन दुकर्मियों का हाल जो तेरे विरुद्ध उठे थे, मेरे विरुद्ध उठे थे, सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट होगी यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के पीछे कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे कैंसर से बचाएगा, वो एड्स से बचाएगा, वो लीवर के रोगों से बचाएगा, वो हड्डियों के रोगों से बचाएगा, वो तुझे टीबी से बचाएगा, वो कैंसर से बचाएगा, वो ब्रेन ट्यूमर से बचाएगा, वो पेट के रोगों से बचाएगा, वो बहेलियों के जालों से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस कर्जे से, ना बिजनेस फेलियर से तू डरेगा नहीं, ना उस रात के भय से डरेगा, वो रात जिसमें परीक्षा है, वो रात जिसमें डर है तू उसमें ना डरेगा, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं, वो रोग जो दूसरों को उजाड़ते हैं दिन दोपहरी में वो तुझे उजाड़ ना पाएंगे, तू उन महारोगों का हिस्सा नहीं होगा, तेरे टिकट 1000 तेरी दानी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा तूने तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, परमेश्वर कहता तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझको पुकारा करेगा तब तब मैं तेरी सुनूंगा और संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, जिस तरह यहोशू की महिमा को परमेश्वर ने बढ़ाया, जिस तरह मूसा की महिमा को बढ़ाया, जिस तरह पतरस की महिमा को बढ़ाया, जिस तरह यीशु मसीह की महिमा को बढ़ाया, परमेश्वर कहता मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं उद्धार दूंगा, मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा। ये धर्मी का उद्धार किस तरह से होता है, पूरी चर्च बोले आमीन, ऊंची आवाज में बोले आमीन, फिर से बोले आमीन। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से वाचा शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा, बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी,
पवित्र परमेश्वर की गोष्ठी, परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों और सब रहने वालों से अधिक भय के योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थ्य है? तेरी सच्चाई तो चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसमें तरंगे उठते हैं तब उसको तू शांत करता है। तू रहम को घात किए हुए के समान कुचल डाला और शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा, पृथ्वी तेरी, जगत और उसमें जो कुछ भी है उसको तूने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने सिरजा, ताबोर और हरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन पर मगन रहते हैं, तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को तू ऊंचा करेगा, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से, हमारा राजा इसराइल के पवित्र की ओर से। पूरी चर्च बोले आमीन, ऊंची आवाज में बोले आमीन। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न आदमी पर जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा तब भी मिट्टी में मिल जाएगा, उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ सबका करता है। वह अपनी वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, अंधों को आंखें देता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथों और विधवाओं को वो संभालता है, दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा और मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो, सब कलीसिया बोले हालेलुया। यहोवा की स्तुति कर, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी। यहोवा यरूशलम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा कर रहा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। पूरी चर्च बोले आमीन। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वह यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वो सिरजे गए। यहोवा के मुंह से वो सिरजे गए, उसने उनको सर्वदा के लिए स्थिर किया, ऐसी विधि ठहराई जो टलने की नहीं। की स्तुति करो, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छो, हे गहरे सागर, यहोवा की स्तुति करो, हे अग्नि ओलो, हिम कुहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड प्यार, हे पहाड़ों और टीलो, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों, पृथ्वी के न्यायियों, जवानों, कुमारियों, पुरनियों, बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो। सब चर्च बोले हालेलुया। केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है, ये उसके सब भक्तों के लिए, अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय। यहोवा की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, सब कलीसिया बोले हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हे पराक्रम के कामों के कारण, उसके बड़े पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजर बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के